मुरादाबाद जनपद की मोना पांडे थाना क्षेत्र के मदनापुर होलपुर गांव में आज हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ गरीब महिलाओं को रुपए का सम्मान देकर सम्मानित किया और कहा कि उनकी पार्टी गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी और सभी लोग उनकी पार्टी से जुड़े और उन्हें कामयाबी की ओर ले जाए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। देश का या सभी कंट्रियों का स्थिति एक ही जैसी है। अर्थव्यवस्था हमारी देश की रफ्तार पकड़ रही है और हम फिर अपने लय को पकड़ चुके हैं। निश्चित तौर पे हमारा देश आज भी आर्थिक संपन्नता की ओर जा रहा है। विपक्ष का तो ये कहना लगातार नई नई पार्टियां आ रही हैं। विपक्ष की बात छोड़िए, विपक्ष ने कौन ऐसा अच्छा काम किया है कि जो आज की सरकार को चुनौती दे सकता है? विपक्ष ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। इस भारत के विकास के लिए जो भी है, जैसे भी है, लाइन ऑर्डर का मामला हो चाहे किसी का भी मामला हो, सरकार की तीखी आलोचना तब जब सरकार कोई गलत करे था, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से इस राष्ट्र को फिर ला करके उस दिशा में खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है। कोई अच्छा करे तो उसकी तारीफ होना चाहिए। पार्टी लीग से हट करके, समाज से हट करके अगर इस राष्ट्र को फिर बिना मास्क के कर दिया गया है तो बहुत बड़ी बात है। हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे इस परिवार, इस समाज के लिए जिस सरकार ने जो काम किया है बहुत बहादुरी, बहुत तारीफ की बात है। अपनी पार्टी के माध्यम से किस तरीके का कार्य होगा आगे चलकर और क्या देश के लिए हित के लिए पार्टी कार्य करेगी? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर प्रहार, राष्ट्र, खेत खलिहान, किसान, नौजवान सबके चेहरों पर खुशहाली लाने का काम होगा। यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग इस राष्ट्र को, समाज को ये पार्टी समर्पित करते हैं। इस पार्टी का आधार नारायण किरण। अच्छा, जो लोग कहते हैं नई पार्टी है, आइए कौन कहता है? हिंदुस्तान के उस व्यक्ति का नाम बताओ जो ये बताए कि ये पार्टी पुरानी नहीं है। वो लोग नए लोग हैं हिंदुस्तान में जो तिवारी कांग्रेस पार्टी को नहीं जानते हैं। इस पार्टी ने अर्जुन सिंह जैसे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए। इस पार्टी ने सतपाल महाराज को केंद्र में वित्त मंत्री बनाया था। इस पार्टी ने कितने विधायक है, जगदम्बिका पाल जी से पूछो, हरशंकर तिवारी से पूछो, नरेश अग्रवाल से पूछो कि किस पार्टी के विधायक थे। तिवारी कांग्रेस पार्टी के ही विधायक थे। तिवारी कांग्रेस पार्टी ही देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जैसे पार्टी को निशाना साधते हैं और बरकलाने के लिए भी बात कहते हैं? मैं कहता हूँ नेता सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद कमाने खाने की जिम्मेदारी। जब चुनाव आता है तो सारे नेता क्या कहते हैं अपने नौजवानों से, लो जाओ पियो खाओ। ये हमारे देश के आप समझ रहे हो। विपक्षों के लिए क्या कहेंगे? विपक्षियों के लिए कुछ भी नहीं कहना। विपक्ष जहाँ है, आने वाला विपक्ष, आने वाली सत्ता नारायण के हाथों में होगी और नारायण परिवार के साथ पूरा देश चलेगा और चला के दिखाएंगे। वहीं अर्थव्यवस्था को देश की सुधारना है तो सभी लोग अपने हक की आवाज उठाएं और अपनी मांग रखें। कार्यक्रम में भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।